तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, हमारा विद्युत मैग्नेट की सहायता से हम इसको भट्टी में या आप यूँ कहें इंडक्शन फर्नेस में हम को इसको मतलब डालेंगे। तो अभी हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेट है जो इसको जो है आप चुंबक बोलते हैं कुछ लोग, तो इसको हम भट्टी में डालेंगे। इससे ये हमारा भंगार है स्क्रैप, और साथ साथ में हम इसमें कुछ स्पंज भी यूज करते हैं। स्पंज जो हमारा आयरन की गोली होती है उसको भी यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे कि इसको मैग्नेट विद्युत मैग्नेट की सहायता से इसको भट्टी में हम डाल रहे हैं, और साथ साथ में आप देख सकते हैं ये हमारा मतलब विद्युत मैग्नेट की सहायता से इसको थोड़ा हमको प्रेस करते हैं। ये हमारा स्पंज की गोली है जो आयरन गोली रहती है, ये स्पंज की गोली हमारा मतलब 70-80% के मतलब आयरन इसमें होता है, लोहा होता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको हम डालने के बाद थोड़ा प्रेस करते हैं ताकि मतलब गोला ना बने, गोला बन के मतलब फूटता है तो मतलब हमारा नुकसानदायक होता है। तो आप देख सकते हैं इस स्पंज की गोली है, मैग्नेट से उठा के इसको हम भट्टी में ऐड करेंगे, डालेंगे। और जैसे देख सकते हैं स्पंज की गोली को हम भट्टी में डाल रहे हैं इंडक्शन फर्निस में, और इसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करते हैं, इसको दबाते रहते हैं। ये हमारा जो मतलब स्लेग होता है, मतलब कि रस्ट होता है या जंक बोले, तो इसको हम मतलब मैग्नेट की सहायता से ये साइड में जो रहा है तो इसको हटा देते हैं। अभी हमारा हो गया है, इसमें हम मैग्नीज ऐड किए हैं और सिलिकन का भी यूज करते हैं। हम सिलिकन भी 2 kg के आसपास डालते हैं, और मैग्नीज हमारा मतलब कि 120 kg डालते हैं, मतलब 1 क्विंटल 20 kg तो ऐड करते हैं हम। माल अगर मेटल कम ज़्यादा अगर होगा तो उसमें हम मैग्नीज कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हम हाइड्रोलिक की सहायता से हम इसको लेडल में खाली कर लेंगे, और इसके बाद हम ये हाइड्रोलिक की सहायता से हम कि इसको लेडल में हम इसको खाली करें, क्रेन के क्रेन से मतलब लगा हुआ है लेडल, ये अभी खाली हो गया है। अब इसको हम नाइट्रोजन गैस से मतलब हम इसको थोड़ा मतलब इसका जो भी इसमें गैस होता है तो उसको थोड़ा सा हम पर्चिंग कराते हैं ताकि मेटल बराबर से ऊपर नीचे का मतलब मिल जाए और इसका गैस भी बाहर आ जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा नाइट्रोजन गैस है, अब इसके बाद हम इसको ले चलेंगे सीसीएम पे। ये हमारा सीसीएम बोले तो ये कंटिन्यू कास्टिंग मशीन होता है, मतलब चाहिए वो बोले आप साधारण भाषा में तो एक सांचा होता है, तो उसमें हम अनेक प्रकार के मतलब साइज होता है, अनेक प्रकार के साइज से हम उसको मतलब बाहर निकालते हैं। इसको मतलब ये लिक्विड होता है, लगभग आपका 1600 से 1700 के बीच में मतलब इसका टेम्परेचर रहता है। तो इसको हम सीसीएम अभी देखिए देख सकते हैं लेडल से हमारा मतलब सीसीएम पे ले जा रहा है, ये हमारा एक सांचा ही है। तो ये मतलब आपका
अनेक साइज का मतलब ब्लेड हम इसको निकालते हैं अनेक साइज का, या मतलब 100 का सेक्शन हो गया, या मतलब कि 150 का अवधि होता है। तो मतलब हमारे यहाँ भी फिलहाल में 150 का है, तो अभी लेटल वहाँ पे खुल गया है। अब इसके ऑपरेटर ये हमारा इस सांचा में गिर रहा है, ये हमारा 1600 के आसपास टेम्परेचर इसका है। तो ये ऑपरेटर मतलब एक कास्टिंग पाउडर थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करता है कि जो भी मैं मतलब कि स्लेग या जो हमारा होता है मतलब कचरा होता है आएगा तो उसके सहारा से वो बाहर निकाल लेता है। ये ऑपरेटर है, मोल्ड ऑपरेटर, ये देख सकते हैं लेडर से ये हमारा 20 मेड हो रहा है। 20 से हमारा जो सांचा होता है मोल्ड जैकेट होता है मोल्ड उसमें हमारा जा रहा है। अब आप नीचे देख सकते हैं गैस कटर के सहायते से इसको मतलब कि अनेक साइज का भी काटा जाता है, या 1 मीटर का हो, या 3 मीटर हो, या 6 मीटर हो, या ये अभी मतलब कि 12 मीटर आपका ज़रूरत है जी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये गैस कटर के सहायते से काटा जाता है। अभी मोटर की सहायता से इसको हम आगे ले चल के इसको साइड कर देंगे कि ताकि अगला ब्लेड हमारे जाने में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों